हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म, ठीक है, कि रिड्यूस हम कैसे करेंगे इनको। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यस, हो रहा है ये 3 के टेबल से। ठीक है, जब हम कटिंग करते हैं तो हम सेम टेबल से कट करते हैं कि जिस टेबल से इसको कट करना है उसी टेबल से इसको कट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम लोग 3 से कर रहे हैं, इसको 6 से कर रहे हैं कट। ठीक है, अगर इसको 3 से कट करना है तो इसको भी 3 से ही कट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों 3 से कट हो रहे हैं ना, तो यस हो रहे हैं। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो हम लोग यहाँ पे कट करेंगे 3 1 3, 3 कितनी ज़्यादा 6 होता है 2 ज़ार। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, 2 है हमारे पास वो लिखें, और यहाँ पर भी क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। नीचे 1 रहने देते हैं क्योंकि डिवाइड करके अगर 1 से तो वही वैल्यू आ जाती है। जैसे 2 2 4 4 को 1 से भी डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ऊपर 2 है मल्टीप्लाई और 2 है, तो 2 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया लोएस्ट टर्म में। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन थी, मल्टीप्लाई था, और हमारे पास यहाँ होल नंबर था। हम लोगों ने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कट हो रहा है, कट करके देन जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया। होप्स आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।